स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये इंडिया का सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। हम लोगों का चंद्रयान 1 पहला था, ये दूसरा है, और इसे लॉन्च डेट किया गया July 22, 2019 में, अभी रिसेंटली किया गया। मेन लॉन्च से ये डिले हो गया। मेन लॉन्च इसका ऐसा टाइम किया गया था कि अपोलो के 50th एनिवर्सरी पे इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जब रॉकेट को फ्यूल करने लगे तब एक कंप्यूटेशनल एरर आ गया, ग्लिच के चलते उन्होंने लॉन्च स्क्रब कर दिया। और इसका मेन गोल क्या है कि जब अगर लूनर 1 चांद पे जा चुका है तो लूनर 2 में क्यों मेहनत करें। लेकिन लूनर 1 जो है, यानी कि चंद्रयान 1 जो गया, उसका मेन काम था कि चांद का ऑर्बिट करना और इम्पैक्टर फायर करना। वो एक चीज़ फायर किया जो हिट किया सरफेस से, और इसी के बाद पानी का कन्फर्मेशन आया कि चांद में पानी है। मतलब नासा के पास भी रिसर्च था, लेकिन एक होता ना, मतलब पता है, गेस किया हुआ है, रिसर्च है, लेकिन ये एक्चुअली जाके इम्पैक्ट करके दिखा दी कि नहीं नहीं पानी है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये उसका एक स्टेप आ गया है, उसी टाइप का मिशन है, और जाके ऑर्बिट करना है, लेकिन अब सॉफ्ट लैंड करना है। अब जाके पास उस पर ठोंक नहीं देना है, जाके सॉफ्ट लैंड करना है। सॉफ्ट लैंड का मतलब कि जो आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिटर है, वो ऑर्बिट में रहेगा, लैंडर लैंड करेगा, और इस लैंडर से एक छोटा सा रोवर निकलेगा। तो ये है पूरा मिशन, मतलब तीन हिस्सों में है। पहला है आपका ये जो ऑर्बिटर, ये ऑर्बिट में क्या रहेगा, यही कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ करेगा। मतलब आप डायरेक्ट रोवर से नहीं कम्युनिकेट कर सकते। तो मतलब ये रोवर जो है वो आपका लैंडर से कम्युनिकेट करेगा, लैंडर जो है वो ऑर्बिटर से कनेक्ट करेगा, ऑर्बिटर इंडिया के डीप स्पेस नेटवर्क से बात करेगा। तो ये है पूरा प्लान। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट समझिए कि ये चंद्रयान 1 का मिशन का सक्सेस के बाद ही बनाने लग गए थे, और अगस्त 2009 में इसरो और रशियन स्पेस कॉस्मोनॉट यानी रस कॉस्मोनॉट आके दोनों एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाए। और आइडिया ये था कि रस कॉस्मोनॉट हमारा रोवर बनाएगा, लेकिन उनका जो एक मार्स प्रोजेक्ट चल रहा था उसका क्रैश लैंडिंग हो गया फीबोस पे। मतलब मार्स के 2 मून है, उसमें से एक मून में ये लैंडिंग करना चाह रहे थे, वो लैंडिंग फेल हो गया। तो इस कारण से उनका प्रोजेक्ट डिले हो गया, और उनके बाद उन्होंने कहा कि जो टाइमलाइन हुआ उसमें भी बोले कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, मतलब वो बिजी हो गया इंटरनल वर्क में, तो वो 2013 में छोड़ दिया। इसके बाद डिजाइन बनाया कि किसी से मांगना नहीं, खुद से बनाते हैं। इसके बाद ये प्लान हो गया, नहीं पूरा अपने से बनाते हैं। और इसका जो मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव जो समझ लीजिए, वो है कि कहां है पानी और कितना पानी है। ये समझिए, पानी है लेकिन कहां है, कितना है, ये हिसाब लगाना इसका काम है। और ये बहुत ऑर्बिट जो है, मतलब आपको पता है, तीन हिस्सों में है। इसका जो लैंडर है, ये पहली बार कोशिश किया जाएगा कि पोल के इतना क्लोज जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये रिकॉर्ड बना के रखेगा कि पोल के पास पहुंच गया। और ये लैंडर और रोवर, इसका 15 का लाइफ है। तो आपको लगेगा कि अगर मतलब 15 कुछ कम नहीं हो गया, वो बात इसलिए है कि भले इसमें सोलर पैनल है, लेकिन वहाँ डे नाइट साइकिल नहीं होता है चांद पे। चांद का जो साइकिल होता है वो मंथली होता है, और मंथली में वो 15 दिन में रहेगा, 15 रात में रहेगा। तो आपको बैटरी अगर बनाना पड़ेगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो 15 रात संभाल सके, वो नहीं किया जा सकता। इसमें सिस्टम दिया गया है कि रात के टाइम ये शट डाउन हो जाए प्रॉपरली, और अगर दोबारा चार्ज आता है तो ठीक हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसका इंसुलेशन पे इतना भरोसा नहीं है कि वो चल सके। ये बहुत कम रोवर है जो चांद पे जाके वो डे नाइट साइकिल का टेंपरेचर फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सके। क्योंकि भले आपको लगेगा कि एक दिन में कुछ खास नहीं होता, आपका टेंपरेचर धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वैक्यूम में आप गर्मी नहीं लूज करते हो, लेकिन एक दिन में कुछ टेंपरेचर नहीं कट रहा, लेकिन 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में धीरे धीरे आपका एकदम अंदर तक सब चीज़ ठंडा हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो आपका ये काम नहीं करेगा। और इससे नासा बचने के लिए रेडियो एक्टिव हीटर लगाता है, वो इंडिया नहीं लगाया है। इसीलिए इसका मिशन एक्सपेक्टेंसी ओनली 15 है कि भैया 15 में मतलब लैंडर को जो करना है करेगा, रोवर को जो करना है 15 दिन का, और जो ऑर्बिटर है वो 1 तक काम करेगा। मतलब उसका टारगेट रखा गया कि 1 तक तो कम से कम काम करो। तो ये है पूरा प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब इंडिया ये कर क्यों रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं कि चांद पे कोई गए नहीं है। तो प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट को जो है एक क्लासिफिकेशन दिया जाता है। वो क्लासिफिकेशन है टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन मिशन। जैसे कि नासा कोई भी कोई चीज़ करने से पहले डेमो दिखाता है कि नहीं ये किया जा सकता है, वैसे ही ये इंडिया के लिए डेमो मिशन है। जैसे कि मार्स पे गए थे तो वो कैपेबिलिटी दिखाना था कि ISRO को आप पेलोड दीजिए, वो मार्स तक ले जा सकता है। तो ये समझिए डेमोंस्ट्रेशन है, खुद के लिए भी और बाकी सारे क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि इसरो जो है काफ़ी लोगों का सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो ये डेमोंस्ट्रेशन मिशन काफी बल्ले बल्ले आइडिया है। फिर मेन जो टारगेट है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, ये बच्चों का खेल नहीं है। मतलब बहुत नजदीक आ गया था इजराइल लैंड करने के, एकदम मतलब पहुंच गया, फेल हो गया एंड मोमेंट पे। तो समझिए सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान बात नहीं है। फिर जो रोवर है, जो मतलब एक्चुअली जमीन पे चलेगा, उसमें एक्सरे मतलब स्पेक्ट्रोमीटर दिया और लेजर का भी स्पेक्ट्रोमीटर दिया गया है, ये मतलब इस तरह का है। और रोवर जो है वो 27 का है, तो उसमें सोलर पैनल और मतलब जो ड्राइविंग सिस्टम है वो है, और उसके बाद मतलब दो टाइप का समझ लीजिए, एक लेजर रेंज सिस्टम है और एक
स्पेक्ट्रोग्राफ है, तो ये जहाँ जहाँ चलेगा उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके देते जाएगा। दूसरा मतलब जो आपका ये और क्या बोलते हैं लैंडर जो है, जो मतलब एक्चुअली रुक जाएगा कि हाँ एक जहाँ पर रुक जाएगा, उसमें दो मेन चीज़ डाला गया, मतलब है तो बहुत सारा चीज़ लेकिन दो प्राइमरी है, उसमें साइज्मोमीटर है, मतलब इस तरह का जो एक पैकेज है जिसे पेलोड कहते हैं, ये उस पर अर्थक्वेक नापेगा, मतलब भूकंप नापेगा। तो आप बोलोगे भाई वहाँ तो क्यों भूकंप आ रहा है, अभी समझिए रिसेंटली इन्फॉर्मेशन ये आया है कि चांद जो है ठंडा हो रहा है, मतलब सबको पता था चांद है ठंडा हो रहा है क्योंकि उसके कोर मोल्टन नहीं है, तो गर्मी अंदर से नहीं आ रहा है और सूरज उतना गर्मी उसमें डाल नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने से वो सिकुड़ रहा है। और रिसेंटली मतलब ये कुछ पिछले 4-5 साल से ही इस पर रिसर्च हो रहा है कि उनको क्रैक्स दिख रहे हैं, मतलब जो लोग मून ऑब्जर्वेशन करते हैं उनको मून पर क्रैक्स दिख रहे हैं, वो क्रैक कहाँ से आ जा रहा है, और वो क्रैक ऐसा नहीं है कि कोई इंपैक्ट से बना है, वो मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का था, तो बाद में पता चला कि मून ठंडा हो रहा है तो सिकुड़ रहा है, तो समझिए इससे मून को एक आ रहे हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए ये साइज्मोग्राफ काफ़ी हेल्प करेगा, और इसमें थर्मल सिस्टम भी है कि मतलब अगर प्लाज्मा है तो कितना है, प्लाज्मा का क्या डेंसिटी है, मतलब क्योंकि सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट कुक ऑफ होने से प्लाज्मा भी बन सकता है, तो वो सब मैनेजमेंट के लिए, समझिए टेम्परेचर प्लाज्मा हुआ और साइज्मोग्राफ की मतलब अर्थक्वेक कैसा हो रहा है वो सब नापेगा। ऑर्बिटर जो है, जो मतलब ऑर्बिटर रहेगा उसका मेन काम है वो समझिए कॉम सेंटर है, अगर ऑर्बिटर गया तो हम लोग रोवर से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, रोवर तो छोड़िए लैंडर से भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो एकदम कम्युनिकेशन का सेंटर, इसीलिए दो पार्ट में मिशन बनाया गया है और उसमें रेडार भी है। तो और ये समझ लीजिए जो ऑर्बिटर है, ये ऑर्बिटर जाके ऐसे नहीं कि हम गए और धड़ाक से लॉन्च कर देगा, वो जाके एनालाइज करेगा, और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके एग्जैक्ट नैरो डाउन करेगा, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट से बना मतलब जो जो पहले पुराने सैटेलाइट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, लूनर पे काफ़ी सारा सैटेलाइट है, जैसे नासा का लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर जो है उससे डेटा निकाले, धरती में जितने टेलीस्कोप हैं उससे डेटा निकाले, तो एक रफ आइडिया तो मिल गया कहाँ जाना है कैसे जाना है, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ क्या है वो जानने के लिए मतलब ये ऑर्बिटर अपना टेलीस्कोप इस्तेमाल करेगा और अच्छे से बता लेगा कि यहाँ जा सकते हैं या यहाँ नहीं जा सकते। तो समझिए ऑर्बिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्बिटर में माल फंक्शन होता है मतलब लैंडर नहीं लॉन्च किया जाएगा। और नासा जो है अभी जितने लोग भी चांद पे जा रहे हैं नासा उन सबको एक लेज़र रेट्रोरिफ्लेक्टर गिफ्ट देते जाता है, जैसे इजरायली मिशन के लिए भी ये दिया गया था, और इसका मेन काम होता है कि धरती से आप एक लेज़र मारिए, लेज़र बाउंस बैक होके आएगा, और इसका ये खासियत होता है कि लेज़र कहीं से भी मारिए किसी भी डायरेक्शन में मारिए ये सीधे सीधे बाउंस बैक करता है, मतलब ऐसे आएगा ऐसे ही वापस आ जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे ही वापस आएगा, इसे रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये नासा का एक पेलोड है, जनरली इसका सारा पेलोड इंडियन ही है लेकिन ये नासा का एक गिफ्ट पेलोड टाइप समझ लीजिए, तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं इसको। तो कैसे किया जा रहा है मतलब सारा हुआ क्या है, तो हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल मार्क 3 इस्तेमाल करें, GSLV हम लोग का इस्तेमाल हो चुका है लेकिन मार्क 3 का ये पहला नहीं समझिए, मतलब मार्क 3 का ये पुश कर रहे हैं कि हाँ क्या तुम उतना भारी ले जा सकते हो कि नहीं। तो GSLV का मार्क 3 का एक अच्छा टेस्टिंग होगा, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग, और इसका लैंडिंग जो है कि कब ये उतरेगा ये 7 सितंबर 2019 का है। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा गैप क्यों है, वो आप ये समझिए कि सैटर्न 5 था वो इकलौता रॉकेट था जो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि धड़ाक से लॉन्च हुआ, ऑर्बिट किया, एक बार अगर गलती नहीं हो रहा है कुछ डिफेक्ट नहीं आ रहा धड़ाक से उसको लूनर इंजेक्शन बर्न कर देगा। यहाँ पे वैसा नहीं किया जा रहा, हम लोग लूनर इंजेक्शन बर्न डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो किया क्या जा रहा है कि जो भी मतलब ऑर्बिटर है उसमें रॉकेट का सिस्टम दिया गया है वो धीरे धीरे मतलब नीचे जाएगा स्पीड बढ़ा देगा फिर स्पीड बढ़ा देगा ऐसे ऐसे करके स्पीड बढ़ाते थे, वो ये 5 बार करेगा तब जाके इसका ऑर्बिट टिक टुक टुक कर धीरे 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 ऊंचाई बढ़ते जाएगा, और एक बार इतना बार फिर मतलब जब बहुत हाइट बढ़ चुका है पीछे 5वें बार का तो 6ठी बार लूनर इंजेक्शन बर्न करेगा, तब यानी रॉकेट कंटिन्यूसली फायर करेगा कि चांद तक जाने के लिए, फिर जैसे ही चांद पर जाएगा चांद का ग्रेविटी इसको आगे जाने नहीं देगा रोक लेगा क्योंकि चांद का ग्रेविटी ट्रैप कर लेगा, तब ये दोबारा जैसे यह धरती से ऊपर आया उसी चांद पर नीचे आएगा स्टेप बाय स्टेप करके अपना ऑर्बिट घटाते जाएगा और फिर लैंड करेगा। और लैंडिंग के लिए मेन तिकड़म है कि इसे लूनर डे में लैंड करना है क्योंकि मैंने बताया सोलर पैनल लगाया और सिस्टम उसी टाइम का है तो 15 दिन का इनका गैप है, अगर वो मान लीजिए लैंड करता है 6ठे दिन पे तो टाइम घट जाएगा, तो इनको एग्जैक्टली करना है कि पहले दिन पे ही लैंड करा सकें, मतलब 1-2 दिन का अप डाउन होगा कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मान लीजिए हफ्ता का डिले हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए मतलब अगर मान लीजिए ये अपोलो पे लॉन्च नहीं कर पाए बहुत स्पीड से इस पे काम किया गया था क्योंकि अगर डिले हो जाता मान लीजिए कि नहीं 1 हफ्ता तक या 2 हफ्ता तक नहीं लॉन्च करना है तो सीधे सीधे अगले महीना लॉन्च करना पड़ता ताकि ये दूसरे दिन पे लैंड कर पाए। दिन पे लैंड कराना जरूरी है, चांद का दिन पे लैंड कराना एकदम जरूरी है तभी 15 दिन मिलेगा काम करने, नहीं तो अगर लैंडिंग वो बिगड़ गया तो आपको पता चला कि शायद 7 दिन या 2 दिन ही मिला आपको वहां पे रिसर्च करने के लिए।
तो इसीलिए लूनर डे का बिगिनिंग में लैंड कराना ज़रूरी है और लैंडिंग साइट जो है वो सेलेक्ट किया गया। आपको समझिए, अगर ये धरती मतलब चांद को आप फ्लैट करके देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मिशन जो हुआ ये बैंड में हुआ, सेंट्रल बैंड पे, और इंडिया कोशिश कर रहा है पोल पे जाने का, काफ़ी क्लोज पे जाने का कोशिश कर रहा है। और दो साइट सेलेक्ट किए गए, साइट वन एक प्राइमरी है, साइट टू सेकेंडरी है। अगर मतलब ऑर्बिटर डिटेक्ट करता है कि साइट वन काम नहीं कर रहा तो सेकेंड पे फोकस किया जाएगा। और आप बोल रहे हो कि ऐसे कहीं पर भी क्यों नहीं लैंड कर सकते, ट्राई किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ये दोनों में कुछ गड़बड़ आ गया तो ट्राई किया जाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है वो सब करना। मतलब अपोलो मिशन में जबकि उसमें पायलट था, पायलट उससे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एक रफ आइडिया था कि वो इसी क्रेटर के आसपास ही लैंड करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही है कि ऑप्शन है तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो करना है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ लैंड करा लो या यहाँ लैंड करा लो। मतलब जो ऑर्बिट पर लॉन्च किया गया है पूरा मैकेनिज्म उसको यहीं पर ले जाएगा। तो दो टारगेटिंग साइट रख दिया गया है और ये रोवर का मेन काम है कि कम से कम 500 मीटर चले। ये काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमा रोवर है और इसको स्पीड के लिए नहीं बनाया, निकले एकदम सुर से नहीं भागे, बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो ये है इसका काम। हम लोग GSLV Mark 3 का टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या वो फुल लोड पे काम कर सकता है। इसे लैंडिंग कराने का है कि 7 सितंबर को, 7 सितंबर को चांद का दिन शुरू हो जाएगा और 5 बार रॉकेट को मतलब जो पेलोड है उसे ऑर्बिट रेजिंग करके उसके चांद पे फंसा देना है। चांद पे फिर वो दोबारा उल्टा करेगा और लैंडिंग साइट पहले से सेलेक्टेड है, पोल के बहुत पास आ गया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या है? तो आप ये समझिए, चंद्रयान 1 2009 में ख़त्म हुआ था, 2008 में उसे लॉन्च किया गया था, सारा काम हो गया, 2009 में वो ख़त्म हो गया और उसी के दरमियान मतलब चंद्रयान 2 का मतलब फाउंडेशन रखा गया था। लेकिन आप बोले कि चंद्रयान 2 का जो फाउंडेशन था उस टाइम में जो मतलब इनका टारगेट था, जो स्कोप था, उसमें ये थर्ड कंट्री बन जाती, इंडिया थर्ड कंट्री बन जाता जो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। हम लोग जनवरी मतलब ओरिजिनल टारगेट था कि जनवरी 2013 में लैंडिंग करो, अगर वो कर देते तो इसे समझिए कि चाइना जो है दिसंबर 2013 में वो लैंड किया था। तो समझ लीजिए नवंबर दिसंबर के आसपास हम लोग, बस काफ़ी सारा गैप था कि अगर मान लीजिए डिले हो गया 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना तो आराम से टाइम था कि हम लोग थर्ड बन जाते, रशिया मतलब फिर USA, उसके बाद इंडिया का नाम आता। हम लोग बहुत क्लोज थे मिस करने के, मतलब थर्ड पोजिशन पर आने के, थर्ड नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद चलिए ठीक है थर्ड नहीं हुए तो फोर्थ तो होंगे ही, ऐसा भी नहीं था कि ये इसराइली मिशन बहुत नज़दीक आ गया। समझिए धरती से गया, चांद पर चला गया, लोअर ऑर्बिट पर आ गया, फाइनल बर्न में फेल हुआ। तो मतलब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया का नाम 5th पोजीशन पे आ जाता और ये तो बहुत इंसल्टिंग टाइप हो जाता। इसलिए नहीं कि ये मिशन खराब है, मिशन बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले काम है, लेकिन बात था कि ये मिशन प्राइवेट कंपनी का बनाया हुआ है और मतलब कंट्री इसको बस सपोर्ट करिए, ठीक है कर रहे हो अच्छी बात है करो, लेकिन समझ रहे मतलब एक प्राइवेट कंपनी अगर इसरो को हरा देता है और भी छोटा, SpaceX नहीं छोटी कंपनी थी, मतलब बजट भी नहीं था, ये मतलब अपना रॉकेट भी नहीं बना सकते थे। तो SpaceX के प्राइमरी मिशन में सेकेंडरी मिशन की तरह गए कि ठीक है SpaceX का काम था कि भैया जियोस्टेशनरी पे सैटेलाइट लगाओ तो ये लोग साथ में लटक के चले गए। अगर ये पहुंच जाते तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता कि भैया इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता। तो ये भी बहुत सीरियस बात है कि नहीं अभी करना है, अगर कुछ दिन और रुके तो कोई ना कोई और कर ही देगा, तो वो समझिए। और फिर वो सब तो ठीक है, वो तो आप कहोगे प्रेस्टीज का बात हो गया, लेकिन एक बड़ा साइंटिफिक बात ये है कि GSLV का Mark 3 जो है यही इंडिया का गगनयान का काम कर रहा है। गगनयान जो है जो इंडिया का स्पेस प्रोजेक्ट है, मतलब इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, ये गगनयान का जो टेस्टिंग वेस्टिंग किया जा रहा है, ये इसका वजन और चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट का वजन लगभग सेम आ रहा है और गगनयान को GSLV Mark 3 पे ही लॉन्च किया जाएगा। इसीलिए मतलब Mark 3 का टेस्टिंग करना जरूरी था। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था कि टेस्टिंग कर लिया जाए उसका कि क्या वो रॉकेट पे हम लगाएंगे और लॉन्च करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसको मैक्स कर दे रहा है, मतलब उसका जो कैपेसिटी है उसको पुश कर दे रहा है। तो इसी कारण से ये इंडिया के लिए जरूरी है कि इसरो को एक्चुअली पता रहे कि GSLV Mark 3 पे क्या होगा अगर उसको फुल लोड पे लॉन्च करें। तो वही समझिए कि प्रेस्टीज का तो बात ही है ही, क्योंकि हम लोग थर्ड पोजीशन पे आराम से आ जाते, आराम से मतलब आराम से 1-2 महीने का डिले पे आराम से आ जाते, लेकिन ठीक है चलो वो छूट गया कोई बात नहीं। चौथा जब मिस करने पे बात आ गया तो भाई तब थोड़ा समझ रहे, क्योंकि समझ ये पिगी बैंक मिशन था कि मतलब साइड में लगा दो मेन रॉकेट के साथ, तब ये अगर पहुंच जाते तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए ये भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये कर सके। और गगनयान का 2022 में अर्ली टेस्टिंग किया जाएगा, अगर वो करने के लिए भी इसका इसी टाइम में निपटाना ज़रूरी था ताकि आपको डिटेल मिले, टाइम मिल सके। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चंद्रयान 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चले वो कितना पसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं। तो आपने मेरा वीडियो देखा है जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।